फ्रेंड्स कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर क्यों कहते हैं, कंप्रेसर कैसे काम करता है, कंप्रेसर को पंप क्यों नहीं कहते, इन सभी सवालों के साथ आज मैं आपके पास आया हूं और आज मैं इन सभी सवालों के बारे में आपको बात करूंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कंप्रेसर, कंप्रेसर मीन्स कंप्रेस करने वाला। देखिए मान लीजिए एक कमरे में अभी 10 बंदे बैठे हैं, ये 6 बंदे बैठे हुए हैं और ये अभी मान लीजिए यहाँ जो है 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, ये भी 2 मीटर है, इनके बीच में सभी के 2-2 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दें, यानी अब हम इसमें 1-1 मीटर की डिस्टेंस कर दें, यानी कमरा छोटा कर दें और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको कम कर दें, ये 1-1 मीटर कर दें, तो ये हो जाते हैं कंप्रेस। लेकिन होता क्या है कंप्रेस करना कि जैसे मान लीजिए एक 10x10 का कमरा है और उसमें 10 बंदे बैठे हैं, अब हमने उसकी जगह को छोटा कर दिया, मान लीजिए वो 5x5 का कमरा कर दिया और उसमें 10 बंदे बैठा दिए, तो वही 10 बंदे हैं और 5x5 में, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो कंप्रेस करना मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम है उसको कम करना। तो फ्रेंड्स इसको कंप्रेसर इसीलिए कहते हैं। देखिए कंप्रेसर क्या करता है कि कंप्रेसर जो भी HVAC में कंप्रेसर काम करता है, कंप्रेसर गैस पर काम करता है। और हम क्या करते हैं, हम आप जानते हैं कि तीन चीज़ें होती हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। फ्रेंड्स ठोस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ठोस के जो अणु हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है या नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो हमें नहीं मालूम चलता। ऐसे ही द्रव को मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसको आप कंप्रेस करके आधा लीटर में नहीं भर सकते, 1 लीटर को वो भी कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैस को फ्रेंड्स कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को क्या होता है, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और लिक्विड फॉर्म में यानी हम एक बाई एक मीटर में, जैसे 1x1 मीटर का हमारा वॉल्यूम है या एक सिलेंडर है, उसमें हम 1 kg गैस भरेंगे तो वो भी 1 kg रह जाएगी, और उसमें हमें 10 kg भर देंगे तो वो कंप्रेस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गैस फॉर्म में होती है। तो जो भी पंप एक तरह से होते हैं और वो गैस पर काम करते हैं, वो कंप्रेस करने का काम करते हैं, तो उसको हम कंप्रेसर करते हैं। यानी हम कोई भी बर्तन है, कोई वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को अगर हम छोटा करें और उसके अंदर गैस भरी है तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन वो कम जगह में आ जाएगी, यानी वो कंप्रेस हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको पता चल गया कंप्रेसर। अब मैं बात करता हूँ कंप्रेसर के टाइप्स। फ्रेंड्स कंप्रेसर मेनली तीन प्रकार का होता है, ठीक है मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है फ्रेंड डायनामिक, और तीसरा होता है हर्मेटिकली सील्ड। हर्मेटिकली सील्ड या सेमी हर्मेटिकली सील्ड और ओपन टाइप, ठीक है ये तीनों ओपन यानी हर्मेटिकली सील्ड नहीं है, ओपन, तीन प्रकार का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम इस पर भी बात करेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और डायनामिक का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो जितनी गैस को एक बार में उठा लेगा उस गैस को ट्रांसफर कर देगा पूरा, यानी पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए कि सिलेंडर काम करता है तो जितना उसके अंदर गैस आ गई वो उसको आगे ट्रांसफर कर देगा, कम नहीं कर सकता। लेकिन ये जो डायनामिक क्या करते हैं, इनमें अगर हम आगे से प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये गैस को काट देते हैं, यानी पीछे निकाल देते हैं। ये हम जब इनके टाइप के बारे में मैं एक एक करके आगे बताऊंगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक भी मैं आगे बात करूंगा, आज मैं टाइप्स की बात करता हूं। अगर मैं यहां डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, करीब करीब 2-2.5 घंटे की हो जाएगी, मेरे को वीडियो 10 मिनट की बनानी है, इसलिए आज मैं सिर्फ टाइप्स बताता हूं। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेंड दो प्रकार का होता है, ये देखिए, एक होता है रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है रेसिप्रोकेटिंग। फ्रेंड्स ये रोटरी भी, इस रोटरी की अगर मैं बात करूं तो ये भी 5 प्रकार का होता है। रोटरी की सबसे पहले लोब टाइप,
ये लोब क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा होता है स्क्रू टाइप, आपने सुना होगा। तीसरा होता है लिक्विड रिंग टाइप। और चौथा होता है वेन टाइप, वेन बोलते हैं फ्रेंड्स, वेन टाइप। और पांचवा होता है स्क्रोल टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांच प्रकार का हो गया। अब मैं रेसिप्रोकेटिंग की बात करता हूं। फ्रेंड्स रेसिप्रोकेटिंग भी तीन प्रकार का होता है। नंबर एक सिंगल एक्टिंग, नंबर दो डबल एक्टिंग, और नंबर तीन की मैं बात करता हूं डायफ्राम टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी तीन प्रकार का हो गया, ये पांच प्रकार का हो गया। ये हो गए सारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, यानी इनमें आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पहले समझना है और ये सब चीज़ें बतानी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एक एक करके वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा। डायनामिक की बात करते हैं फ्रेंड्स, डायनामिक भी दो तीन प्रकार का होता है। डायनामिक की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार का होता है। नंबर एक सेंट्रीफ्यूगल, नंबर दो एक्सियल, और नंबर तीन की मैं बात करता हूं तो ये होता है एयर बबल टाइप कंप्रेसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इनको रिपीट कर देता हूं आपको, पांच सेकंड में मैं सारा बता दूंगा। कंप्रेसर जो किसी चीज का स्थान कम कर दे, जगह को कम कर दे, यानी कंप्रेस करे, वो कंप्रेसर कहलाता है। फ्रेंड्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, डायनामिक और हर्मेटिकली सील्ड, सेमी हर्मेटिकली सील्ड और ओपन टाइप, तीन प्रकार का। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी दो प्रकार का, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी भी पांच प्रकार का, लोब टाइप, स्क्रू टाइप, लिक्विड रिंग, वेन टाइप, स्क्रोल टाइप। रेसिप्रोकेटिंग तीन प्रकार का, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग और डायफ्राम टाइप। डायनामिक भी फ्रेंड तीन प्रकार का, सेंट्रीफ्यूगल, एक्सियल, एयर बबल। यानी डायनामिक में सिर्फ तीन ही आते हैं, जो पानी को काट सकते हैं या गैस को काट सकते हैं। हर्मेटिकली सील्ड, सेमी हर्मेटिकली सील्ड, ये सारी एक ही चीजें हैं फ्रेंड्स। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर होता है इसको हम पंप क्यों नहीं कहते? देखिए होता क्या है, गैस, ये कंप्रेसर भी गैस को आगे फॉरवर्ड करता है या आगे फ्लो करता है, यानी गैस का ट्रांसफर करता है, एक जगह से दूसरी जगह को भेजता है, पाइप में भेजता है। तो जब ये गैस भेज सकता है तो ये पानी को भेज सकता है। फ्रेंड्स जितने भी पंप्स, एक तरह से ये पंप ही हैं, और पंप जो है जो गैस पर काम करते हैं, तो जो गैस पर काम करते हैं उनको हम कंप्रेसर कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली पंप गैस पर काम नहीं कर सकते, उनका उतना प्रेशर नहीं रहता। फ्रेंड्स तो कंप्रेसर जो होते हैं, जो गैस पर काम कर रहे हैं उनको हम कंप्रेसर कहते हैं, और जो पानी पे और लिक्विड पे काम करते हैं उनको हम पंप कहते हैं। फ्रेंड्स आज से पहले क्या आप जानते थे इतने प्रकार, इतने टाइप के होते हैं, और ये सभी बात जानते थे? अगर आप नहीं जानते थे या जानते थे, जो भी है वो आप मेरे वीडियो के लास्ट में कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आप जानते थे और नहीं जानते थे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।